So how do you feel like being a Muslim in Thailand? She is a converter. Do you have something for my headache? Because ever since I got married to her, she's been giving me headache. What the mess? तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप हारून मॉस्क है. तो हमारी ग्रैब आने वाली है, वी जस्ट वेटिंग. और यहाँ से जहाँ से हमारा होटल है नियर खाओसैन रोड, आई थिंक 25 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में. तो हम लोग यहाँ पे ग्रैब में सवार हो गए और हम लोग जा रहे हैं हारून मॉस्क. तो हारून मॉस्क जो है वो बिल्कुल बैंकॉक के हार्ट में मौजूद है और आज जुमे का दिन भी है. तो हमारा प्लान ये है कि हम जुमे की नमाज़ जो है इंशाल्लाह हारून मॉस्क में अदा करेंगे और उसके बाद फिर हम कोशिश ये करेंगे कि हारून मॉस्क के अराउंड जो सराउंडिंग एरिया है वो पूरी मुस्लिम नेबरहुड, वहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी आबादी पाई जाती है और काफ़ी मुसलमान वहाँ पर रहते हैं मस्जिद के अराउंड. तो उस जगह को, उस मुस्लिम नेबरहुड को जो है वो एक्सप्लोर करें ऑन फुट और आप लोगों को भी दिखाएँ कि मुसलमान जो हैं वो बैंकॉक थाईलैंड में कैसे रहते हैं, क्या रहन सहन है उनका और ये सारी चीज़ें किस तरह से रोज़ के मामला तय पाते हैं उनके लिए. और उनसे थोड़ा सा पूछें कि मुसलमानों के लिए बैंकॉक थाईलैंड में रहना जो है एज़ माइनॉरिटी कैसा है, क्या मुश्किलात का सामना उनको यहाँ पे करना पड़ता है या कोई मुश्किल होती भी है या बिल्कुल वैसी है जैसे किसी मुस्लिम कंट्री में रहना है. तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हैं ये जानने की कोशिश करेंगे. उसके साथ साथ यहाँ पे एक सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क है जो सबसे पुरानी यहाँ की मस्जिद है. तो हारून मॉस्क के बाद वहाँ इंशाल्लाह हम जाएंगे और उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. तो यूजली यहाँ पे दिन के वक्त, जुमे के वक्त बहुत ही कोई अच्छी मार्केट लगती है, फूड की मार्केट, पूरा हलाल फूड होता है. लेकिन बिकॉज अभी रमज़ान का वक्त है, रमज़ान का महीना है, तो वो मार्केट अब शाम को लगेगी. रोज़ा खुलने का वक्त होगा तो मगरिब के वक्त लगेगी. सो हम उसको भी इंशाल्लाह आज अटेंड करेंगे. और वैसे भी बस आखिरी के एक या दो रोज़े रह गए हैं तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो रमज़ान की फील है थाईलैंड में वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों को दिखाएँ और ख़ुद भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर मुसलमान जो है वो किस तरह से इबादत करते हैं, किस तरह से रोज़ा रखते हैं. अच्छा, उसके साथ साथ लोकल्स ने हमें ये भी बताया कि कुछ ख़ास ऐसे एरियाज़ हैं बैंकॉक में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, रौनक होती है, हसल बसल होती है. उनमें से नंबर वन जो है वो तो चाइना टाउन है, खाओसान बहुत ज़्यादा मशहूर है और कुछ ऐसे मुस्लिम एरियाज़ भी हैं जो पीछे नहीं हैं उस रेस से और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हसल बसल होती है. लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि एक तो उनका नाइट लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत मज़ेदार होता है. वहाँ पे गहमा गहमी होती है, स्टॉल्स लगे होते हैं, दीगर वहाँ पे खाने मिल रहे होते हैं, जूसेस मिल रहे होते हैं, चाय, पराठे, ये सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे. तो टैक्सी से हम लोग उतर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं इन छोटी सी तंग गलियों में और हारून मस्जिद जो है वो इन्हीं गलियों में मौजूद है. यहाँ पे साइन लगा हुआ है और यहाँ पे मुझे खुतबे की आवाज़ भी आ रही है. बहुत खूबसूरत सी, बहुत साफ़ सुथरी गलियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे मस्जिद आगे. अस्सलामुअलैकुम. खुतबा जो है वो शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल से बस हम टाइम पर पहुँच चुके हैं. मुझे डर ये लग रहा था क्योंकि हमें टैक्सी में काफ़ी टाइम लगा है, रश बहुत था, आधा घंटा लगा है हमें जबकि हम 12 बजे निकले थे. लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जमात जो है जुमे की वो जल्दी खड़ी हो जाती है तो इंशाल्लाह मिल जाएगा और हम पढ़ लेंगे. तो हम हारून मॉस्क की लेडीज़ के एरिया में आ चुके हैं एंड अभी अभी जुमे की नमाज़ हुई है यहाँ पे और सारी औरतों ने जुमे की नमाज़ पढ़ी है और मैंने भी पढ़ी है और अभी बस हमने नफल अदा किए हैं और अब हम बाहर जाएंगे. एज़ वी वर कमिंग इन टू द मॉस्क एरिया, यहाँ पे काफ़ी मतलब मुसलमान बहन भाई नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं एंड राइट नेक्स्ट टू द मॉस्क, पीछे मस्जिद के लेडीज़ का जो एरिया है वहाँ पर टेबल सेट हो गए हैं फॉर इफ्तार टुडे. तो अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कि अभी रौनक है या नहीं है, लोग अगर घर चले गए हैं एंड विल सी व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड. सर यहाँ पे मुझे एक, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज़ हज्जा
मुसलमान और ये आंटी मुझे मिली है एंड यू आर फ्रॉम थाईलैंड राइट थाईलैंड बट यू सेड यू आर हाफ इंडियन वेल यस बिकॉज़ आई वाज बोर्न हियर दिस इज आवर फेलो गर्ल्स from India and she's converter. Acha. Yeah, okay. She is very nice. Yeah, Aisha, her name is Aisha. Yes. Very nice. This is my daughter, Punasha. Okay. She is a converter. Mm-hmm. Yeah, very nice. Converter, only one in the family. Wow. Mashallah. Yeah. So how do you feel like being a Muslim in Thailand? Oh, very proud to be Muslim. I'm glad to say to anywhere in the world that I'm Thai and I'm Muslim, because Thailand have the freedom of anyone to believe in what they feel like. You're comfortable. Comfortable to say that, yeah. And comfortable to wear hijab? Yes. Very of much. Of course, yeah. That's good. Yeah. And the government is good here, like this. Oh yes, very nice. Even you see, celebrate for the first day of Ramadan. Oh, okay. Yeah, they even invite all of us. I mean, the leaders of the Muslim group to go and join in the parliament. Really? Yeah. You see, iftar there. Oh, yeah. Mashallah. Yeah. And Eid, when it's Eid prayers and everything happening? Oh, you see, announcement from radio broadcasting station of Thailand. Okay. They make the announcement for us. Okay. Thank you. Yeah, nice to have a talk with you. You too. Feel very warm to see slave of Allah. Yes. All nationalities. Yeah. It's our first time in Thailand. Yeah. In Australia, it's the same. तो अभी मुझे यहाँ के locals मिले हैं and like इतने welcoming, इतने friendly और मतलब I just feel like so comfortable के और अच्छा लग रहा है कि मतलब हमने यहाँ लोगों से बात की और ताने भी अब निकल आया है दूसरी तरफ so let's go and meet him. वालेकुम अस्सलाम अमेरिका की जी इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया नो ओके उर्दू जानते हैं जी उर्दू जानते हैं उर्दू जानते हैं ओके बाय बाय थैंक यू अस्सलाम वालेकुम अच्छा यहाँ पे मस्जिद के बिल्कुल साथ जो है वो बड़ी शानदार सी गली बनी हुई है जहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं वो चीज़ें और मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो बेच रहे हैं और यहाँ पे हमें सॉसेजेस नज़र आ रहे हैं गोश्त से बनी हुई चीज़ें मुसलमानों को वैसी बहुत पसंद है तो यहाँ पे गोश्त के डिफरेंट आइटम्स मिल रहे हैं उसके अलावा रोटी पराठे चिकन पराठे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी इस पूरी गली की वो ये कि यहाँ पे उन्होंने सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा हुआ है बहुत साफ है तो बिल्कुल हारून मॉस की दूसरी गली में यहाँ पे हलाल फूड मिल रहा है एंड वी आर गेटिंग इन आवर सम इट्स रोटी विद एग एंड चीज एंड चिकन सो रोटी जो है 60 भात एंड ऐसे स्क्वायर शेप में बनी होती है अच्छा मस्जिद और गली के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे लोगों के लोकल्स के घर भी बने हुए हैं और मेजॉरिटी यहाँ पे जो रिहाइश है जो आबादी है वो मुसलमानों की है ज़ाहिर है मुसलमान जो हैं वो पसंद करते हैं मस्जिद के करीब रहना और सारे जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी कम्युनिटी बनाई हुई है बहुत अच्छी फ्रेंडली कम्युनिटी बनाई हुई है और वो बहुत वेलकमिंग है यहाँ पे जितने भी थाई लोग आते हैं उनको भी वेलकम करते हैं और अभी इम्तिसाल की जिन साहिबा से बात हुई थी वो भी यही बता रही थी यहाँ के जितने भी लोग हैं जो यहाँ की हुकूमत है जो किंग हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुसलमानों को और वो चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ पे खुशी और खुजू से जैसे बाकी माइनॉरिटीज़ रहती हैं वो भी यहाँ पे रहें इसी आगे गली में मस्जिद थी लेकिन इधर जैसे बुद्धिस्ट रहते हैं और इनके अपने टेंपल यहाँ पे हैं और एक प्यारी सी हारमोनी है यहाँ पे आई फील लाइक कोई मसला नहीं है एज सच लोकल्स को ड्यू टू द डिफरेंट रिलीजन जैसे कुछ मुल्क में होता है ना अलग रिलीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है यहाँ पे वो आई डोंट थिंक है और जो बाजी मुझे मिली थी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि देर हैप्पी हियर एंड देर प्रीटी पीसफुल सो दैट्स रियली नाइस टू सी सब हम पहुँच गए हैं टॉनसॉन मॉस्क विच इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन बैंकॉक लेट्स गो Thank you.
अच्छा बेशक ये बैंकॉक की सबसे पुरानी मस्जिद है। बाथरूम का एरिया न्यूली रेनोवेटेड है और अभी भी एक साइड पे सीमेंट पड़ा हुआ है। सो इट लुक्स लाइक दिव जस्ट लाइक रेनोवेटेड इट और बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है यहाँ के केयर टेकर्स ने इसको। एंड आई जस्ट लाइक लव दैट कि अपनी जगह का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। तो अब हम पहुंच चुके हैं टोनसान मॉस्क, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी दी ओल्डेस्ट मॉस्क इन बैंकॉक। 1688 में ये मस्जिद बनी थी और बैक देन इट वाज जस्ट अ स्मॉल हॉल और लोकल्स बोलते हैं कि ये उस वक्त जब बनी थी इट एक्चुअली लुक अलॉट लाइक अ बुद्धिस्ट मोनेस्टरी, लेकिन वैसे ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर मॉस्क दैट वी विजिटेड। और इधर इस वक्त कोई नमाज का वक्त नहीं है। तो ये जो मस्जिद है इट इज़ एक्चुअली मेड वेरी क्लोज टू द वाट अरुण टेम्पल और उसको हमने अपने फर्स्ट ऑफिशियल डे में विजिट किया था जो हम थाईलैंड में हमने स्पेंड किया था। एंड इट इज़ राइट नेक्स्ट टू द चाओ प्राया रिवर। तो बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोना रेस्ट। इफ्तार के वक्त हम हेड करेंगे एक और मुस्लिम नेबरहुड की तरफ और वहाँ के लोकल से मिलेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ पर और कौन सी चीज़ें हैं डिफरेंट और वहाँ पर कौन सा हलाल फूड अवेलेबल है। सारी ये चीज़ें अभी हमें देखनी हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग। तकरीबन आधा एक घंटा रह गया है इफ्तार में एंड वी आर नाउ हेडेड टू द बैंकॉक मॉस्क। यहाँ रश है तो यहाँ पे रोड साइड बोटियाँ लगा दी इन्होंने सीखों पे और उसको कोयले पे बना रहे हैं और ऐसी खुशबू आ रही है। इट स्मेल्स सो गुड एंड काइंड ऑफ लाइक आई थिंक मसाला नहीं होगा पर चिकन और बीफ सब कुछ यहाँ पे लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा रश है स्टॉल पे। अच्छा तो चिकन कलेजी जो है वो यहाँ पे स्टिक के ऊपर वो बेच रही हैं और उसके साथ बीफ की बोटियाँ जो रही हैं, लेकिन उन्होंने मैरिनेट जो लगाया हुआ है वो अपने तरीके से लगाया हुआ है और यहाँ का जो जिस तरह से थाई लोग पसंद करते हैं खाना उस तरह से उन्होंने मैरिनेट लगाया हुआ है। वैसे हमारे मसाले जैसे नहीं होंगे ये मसाले। और वो साथ ये भी बता रही हैं कि चिकन लिवर जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए और मग़रिब का टाइम जो है वो तकरीबन हो गया है, रोज़ा खुलने वाला है, इसलिए जो है वो लोग खरीद के जा चुके हैं। थोड़े से जो बच्चे वो किसी और का ऑर्डर लगा हुआ है तो इसलिए वो हमें नहीं मिल सकती, लेकिन हम जो है बीफ की बोटियाँ बीफ के जो स्क्यूअर्स हैं वो खरीदेंगे यहाँ। तो यहाँ पे बिल्कुल मस्जिद के एंट्रेंस पे फ्रेश फ्रूट भी मिल रहा है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खाया जाता है रमज़ान में। एंड एनी वेज यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं बिकॉज यहाँ के फ्रूट का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। सो ये जो आंटी है शी इज़ एक्चुअली सेलिंग वाटरमेलन, पाइनएप्पल और मैंगोज और पपाया सारी चीज़ें बेच रही हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि स्पाइसेस साथ साथ बेच रही है लाइक शुगर और मसाला, जैसे हम पाकिस्तान में काला नमक डाल के खाते हैं चाट मसाला, वही वाला सीन है यहाँ पे। Can I see? Walaikum Assalam. Can I get the roll and samosa? And what's it like? Chicken. ₹3.20. ₹3 for 20? ₹40. ₹3 for 20. Can we get four? No, four. Three le lo. Three, okay. Three. It's fine. तो इस वक्त इफ्तार का वक्त होने वाला है तो काफ़ी लाइक रश स्टार्ट हो गया है और बाहर अभी रोड से लोग अंदर आने वाले हैं। सो आई कैन सी कि इट्स गोना गेट रियली क्राउडेड। तो हम भी थोड़े से समोसे ले रहे हैं एंड गेटिंग अ फ्यू रोल्स फॉर इनाया। यहाँ पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आई है, बाओबान। सो लेट्स गो देयर नेक्स्ट। अच्छा यहाँ मुझे जैसे हम लोग इस मस्जिद में दाखिल हुए एक बड़ी मज़ेदार किस्म की बड़ी लाइट सी एनर्जी जो है वो फील हुई है, वो इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे मुसलमान भी हैं इसी एरिया में, यहाँ पे यहीं के जो लोकल स्थाई लोग हैं जो बुद्धिस्ट हैं वो भी आके यहाँ इन्हीं स्टॉल से इन्हीं स्ट्रीट फूड वेंडर से जो है वो चीज़ें खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें भी जाहिर है इनके हाथ के बने हुए खाने जो है पसंद होंगे इसीलिए यहाँ से आके खरीद रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से हार्मनी और यूनिटी जो है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जो है वो अंडर वन रूफ रह रहे हैं और मतलब एक ही नेबरहुड में रह रहे हैं लेकिन प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कोई मतलब लड़ाई झगड़े या कोई इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पे हमें बाओबंस नज़र आए हैं। वैसे ये जैपनीज़ ट्रेडिशनल चीज़ है, जैपनीज़ बहुत खाते हैं पसंद करते हैं लेकिन यहाँ इस रीजन में भी थाईलैंड के लोग जो हैं वो भी इसको अपने तर्ज से थोड़ा सा अपना टच दे के यहाँ पे बाओबंस बनाते हैं। यहाँ पे जो बहन काम कर रही है उन्होंने मुझे बताया कि ये चिकन के हैं बाओबंस और उसके साथ यहाँ पे डंपलिंग्स भी हैं। तो ये डंपलिंग्स जो हैं ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत खाए जाते हैं, इवन चाइना और उस रीजन में
साउथ एशिया में जो है बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, नेपाल में लोग बहुत खाते हैं, और अब इंडिया में हमने ये सुना है कि इंडिया में ये एक नया गो टू स्नैक बना हुआ है, वहाँ के जितने भी यंगस्टर्स और टीनेजर्स हैं उनके दरमियान ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हमें भी बहुत पसंद है। हम ऑस्ट्रेलिया में कोशिश ये करते थे जब हमें कहीं नज़र आए हलाल तो हम ले लें, तो यहाँ से हम ये लेंगे और इसके अलावा ये चिकन बाउमन लेंगे। कितने लें? दो ले लें। कैन वी प्लीज गेट थ्री चिकन बाउमन? अच्छा, तो हम लोग अभी बाहर थे और बाहर से खाने वाने की चीज़ें खरीद रहे थे, इतने में जो है अजान हो गई मगरिब की और रोज़ा जो है यहाँ पे खुल गया, अफ्तार का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे भाई इतने अच्छे हैं, उन्होंने जल्दी से जो है वो खजूर मुझे पकड़ाई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके बैठो, यहाँ पे पूरी टेबल जो है वो सजाई हुई उन्होंने, उसमें थाल रखे हुए बड़े बड़े, उसमें अफ्तारी का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, तरबूज हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रेश मीट है मुख्तलिफ़ किस्म के, और सलाद वलाद हैं, खजूरें हैं, केक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस बगैर किसी इंतज़ार करवाए जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत खाता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि मुसलमानों की जो खातिर तवाज़ो है उसका कोई मेरे ख्याल से अल्टरनेट नहीं है, कोई इस चीज़ को बीट नहीं कर सकता। हमने मतलब हर जगह काफ़ी जगहों पे लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन जो मेहमान नवाजी मेरे ख्याल से मुसलमान दिखा देते हैं यार, वो एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर मतलब उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था कि मैं यहाँ पे आ रहा था, और मगरिब की अजान जो है वो शुरू हो चुकी थी, तो जल्दी से उन्होंने मुझे खजूर पकड़ाई, उन्होंने यहाँ पे कबाब वबाब इस तरह की सारी चीज़ें मीट मेरे सामने कर दी, और ज़बरदस्ती के नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा तुम हमारे मेहमान, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये ऑरेंज जूस जो है ये भी है, और इनाय के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे देनी है, तो ये चीज़ जो है ना ये कहीं और नहीं मिल सकती, भले आप दुनिया के किसी भी कोने में हिस्से में हो, लेकिन अगर मुसलमान कहीं भी आपको मिल जाए, और फिर ख़ास तौर पे इस तरह का बाबरकत महीना हो रमज़ान, तो बस फिर तो आपको पता ही है कि आप सेट हैं, खाने की आपको फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी आपको। अच्छा, तो यहाँ पे साथ साथ उन्होंने जो है वो हरा सोडा भी रखा हुआ है, जिसको हम पाकिस्तान में पाकोला कहते हैं, तो वो पाकोला डाल के उन्होंने पाकोला की तरह की कोई चीज़ है, शरबत है ग्रीन सा, वो उन्होंने पानी में मिलाया हुआ है, उसके साथ यहाँ पे सादा पानी भी है, इसमें सादा पानी है और इसमें जो है वो ग्रीन सोडा है, तो ये निकालते हैं थोड़ा सा, कैसा है? कमी की तरह का टेस्ट है, अच्छा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है और यह ठंडा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत रिफ्रेशिंग है। अच्छा, तो नमाज़ हमने पढ़ ली है, और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ हम मस्जिद में ही हैं, अभी मस्जिद के अहाते में इन्होंने यहाँ पे एक अलग से सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहीं पे बैठ गए हम लोग, और यहीं से हमने मस्जिद के अंदर से जो चीज़ें इफ्तार के लिए जो आइटम्स खरीदे थे वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ये डंपलिंग है, फ्राइड डंपलिंग चिकन की, उसके अलावा इनाय के हाथ में जो है वो बाउबन है, जो इब्तिसाल और मेरा फेवरेट है, और इनाय ने कब्ज़ा कर लिया है उसके ऊपर। चिकन डंपलिंग्स का जवाब नहीं, बहुत मज़े का। तो बानउतित मॉस्क से निकल के हम लोग रोड की दूसरी तरफ आ गए, और यहाँ पे बड़ा मज़ेदार किस्म का माहौल है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है जिसका नाम है एशिया टीक मार्केट, ये जो है बिल्कुल पानी के साथ यहाँ का जो फेमस रिवर है उसके बिल्कुल साथ इन्होंने मार्केट बनाई हुई है, यहाँ पे फेरिस व्हील भी है, यहाँ पे इस तरह के स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी हैं। यहाँ पे हमें मज़ेदार सी चीज़ नज़र आई है जो कि हमने जब सबसे पहली दफ़ा हम लोग आए थे बैंकॉक हमने ट्राई की थी, लेकिन हम लोग आप लोगों को नहीं दिखा सके थे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं थाईलैंड की सबसे मशहूर मैंगो स्टिकी राइस, जो डिश होती है, जो डिज़र्ट होता है, जो मीठा होता है, तो बेसिकली चावल होते हैं बिल्कुल स्टिकी से, उसमें मेरे ख्याल से ये लोग कोकोनट मिल्क डाल के उसको उबालते हैं, और ज़्यादा मिठास नहीं होती, थोड़े से नमकीन से होता है, उसमें नमक डालते हैं, और उसके साथ मीठा मैंगो जो है वो सर्व किया जाता है, और चावल जो है वो मुख्तलिफ कलर के होते हैं, तो ग्रीन ब्लू पर्पल वाइट कलर के चावल होते हैं, और ऊपर उसको थोड़ा सा टेक्स्चर ऐड करने के लिए क्रंच डाला जाता है, वो क्रंच मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का क्रंच होता है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है ये मैं बता सकता हूँ, और उसके साथ यहाँ की फेमस कोकोनट आइसक्रीम भी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास मैंगो स्टिकी राइस है, और ये वाले बहुत स्पेशल है बिकॉज इनमें लाइक 7-8 अलग अलग रंग हैं। थोड़े से मैं चावल लूँगी और थोड़ा सा मैंगो काट के साथ मिक्स करूँगी, साथ कोकोनट क्रीम है मज़ेदार किस्म की, और सब कुछ मैंने लेना है एक ही बाइट में। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, इसके जो चावल हैं वो मीठे नहीं हैं, वो सॉल्टी हैं,
और फिर मीठी आइसक्रीम, मीठा मैंगो और वो सारी क्रीमी और क्रंच की कॉम्बिनेशन जो है, इट इज़ प्रोबेबली माई फेवरेट डिजर्ट एवर। और फिर वो जो कोकोनट आइसक्रीम है, इट्स मेड आउट ऑफ कोकोनट मिल्क, इट्स डिलीशियस। How much is the little pants, do you know? Price? Yeah, little ones. 120. Okay. तो यहाँ पे हमें एक दुकान नजर आई है, इसका नाम है थ्री ब्रदर्स। और यहाँ इस दुकान के ऊपर हमें ये मल्लू तेल जो होते हैं, जो साउथ इंडिया में या इंडिया में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमने एक दुबई से ख़रीदा था, मुझे याद है अच्छी तरह। और वो तेल जो है वो लाइफ चेंजिंग तेल था हमारी सबकी जिंदगियों के लिए। वो इसलिए क्योंकि हम जिस तरह का, जिस नौयत का काम करते हैं, तो उसमें सर दर्द जो है बहुत ज़्यादा होता है, या मतलब जिससे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो दर्द जो है ना वो मल्लू तेल हमारा मिनटों में गायब करता था। ये कोई पेड एंडोर्समेंट नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ इस तरह का सीन नहीं है, ये वाकई में हमने आजमाया हुआ है, आजमूदा फार्मूला है हमारा। और यहाँ पे हमें ये डिफरेंट काइंड्स के जो है वही मल्लू तेल जो है नजर आए। मेड इन थाईलैंड, नॉट चाइनीज, राइट? नॉट चाइनीज, नॉट ओनली थाईलैंड, अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आल्सो यूज। या इन इंडिया एवरीबॉडी यूजेस दिस वन, राइट? यस, यस, या 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 या। हाउ मच इज द स्मॉल ऑयल? स्मॉल 25 फॉर वन। या कैन आई ट्राई? Do you have something for my headache? Because ever since I got married to her, she's been giving me headache. But that means... You have something for that sort of headache? No? Okay, okay. Just joking. So, ab hum finish karenge aaj ka bahut hi special vlog, which was about the Muslim community of Thailand। और हमें बहुत अच्छा लगा आज इतने नए नए लोगों से मिलके, उनकी ज़िंदगी देख के, उनका लाइफ स्टाइल, कैसे वो रहते हैं, क्या वो करते हैं, क्या वो खाते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने कवर की हैं। और अब हम इतनी प्यारी जगह पे हैं, विच इज़ द एशिया टीक रिवर साइड मार्केट, और आई कैन नॉट बिलीव ये सब मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और लाइक जरूरी है। अच्छा, लाइक के साथ साथ अगर वीडियोस को शेयर कर दें अगर पसंद आ रही हैं, तो हमारे लिए भी आसानी है और आप लोगों के लिए तो वैसी है, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे बैठे इमी और तानी मजेदार मजेदार मुल्कों की और जगहों की सैर करवा रहे हैं। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।